हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम सीसीसी के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स का कल जो पेपर हुआ है वो पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है, जो बच्चे कल अपीयर कर चुके हैं उनको तो सॉल्यूशन की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो चाह रहे कि फटाफट आंसर बताओ एंड हम कैलकुलेट कर लेंगे। डर रहे हैं, जो भी है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि पेपर को ढंग से सॉल्व करना है। किन बच्चों के लिए? जो अगले साल पेपर देंगे उनके लिए, या जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके लिए ये पेपर पूरा सिस्टमैटिकली मैं सॉल्व करवा के दूंगा। समझ में आ रहा है? तो दो तीन चीज़ें बेटा मैं कल से देख रहा हूँ, सभी मास्टर लोग जो है ना वो पेपर को जज कर रहे हैं। कोई बोल रहा है बहुत आसान है, बहुत आसान था, लेंदी था, बच्चों ने सिली मिस्टेक कर दी। देखो भाई, मास्टर लोगों के लिए तो पेपर आसान ही होगा ना यार। पेपर तो कौन डिसाइड करेगा? वो बच्चा डिसाइड करेगा। उसको पूरे पेरेंट के एक्सपेक्टेशन लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उतने ड्यूरेशन में सब मिला के सॉल्व करना होता है। तो एक टीचर के लिए, एक मास्टर के लिए ये बोलना बहुत आसान है कि पेपर लेंदी था, इजी था, डिफिकल्ट था, लेकिन उस बच्चे का सोचो ना, उस बच्चे पे क्या बीतती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से मेहनत करके आप 48 क्वेश्चन ढंग से कर सकते हो, लेकिन वो दो क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लक की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, और याद रखना जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले बच्चे हैं या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सभी क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज, प्रोसीजर वाइज पॉज कर करके सॉल्व करने हैं, खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। मैं काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है? 50 के 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेरे से पूछे तो पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर था, ढंग से सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन सवाल कुछ ऐसे थे कि जिसमें सिली मिस्टेक होना लाजमी है, जरूरी है। सबसे होती है गलती और हो जाएगी, एक्सेप्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 नहीं आ रहे, 175 आ रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 170 आ रहे तो भी बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक आध दो गलती हो गई, गलती को एक्सेप्ट करो, आगे पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं ढंग से। ये रहा पहला सवाल, ठीक है? तो भाई इसमें लीस्ट काउंट पूछा है, ओके, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो हमने क्या सीखा था? लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है MSD - VSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं बच्चों को हर बार बताता हूं, प्रॉब्लम वीएसडी का है ही नहीं, प्रॉब्लम एमएसडी का ही नहीं, प्रॉब्लम वीएसडी का होता है। कैसे होता है, उसको कैसे रिमूव करना होता है, यहां पढ़ो क्या लिखा है। इन वर्नियर कैलिपर N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद N डिविजन ऑफ मेन स्केल। मतलब क्या हुआ बेटा, N+1 कौन से डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद N मेन स्केल डिवीजन, ठीक है? अच्छा, तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन को रिमूव करेंगे, इसको रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू N/N+1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है? ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना बेटा, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD का MSD, प्रॉब्लम MSD का कभी नहीं होता, प्रॉब्लम VSD का होता है, तो VSD को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये N/N+1 इंटू MSD। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा MSD, अंदर क्या बचेगा, 1 - N/N+1। अच्छा, यहां कुछ नहीं, मतलब कितना, 1, कहीं ना कहीं देखो MSD दिया होगा। मेन स्केल डिवीजन कितने का है, मेन स्केल डिवीजन है 0.1 mm, ओके। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, N+1 - N/N+1, ठीक है? ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0.1 mm / N+1। तो ये हो गया, 0.1 को लिख सकते हैं हम 1/10 N+1 mm में आया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में, वर्नियर कैलिपर इन सेंटीमीटर बोल रहा है, लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, ये तो एमएम में आ गया, तो एक मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको 1/10 करना पड़ेगा फिर, तो क्या हो जाएगा ये, दैट विल गिव द फाइनल आंसर एज 1/10 × 10 100 N+1 × सेंटीमीटर, 1/100 N+1, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है? मेरे हिसाब से पेपर बहुत इजी था, लेकिन सवाल कुछ ऐसे थे साला कि भाई गलती होना लाजमी है। जिसके क्वेश्चन रीडिंग स्किल अच्छे हैं, जो बहुत ही केयरफुली सवाल पढ़ता है, उसकी गलतियां कम हुई होगी,
लेकिन एकाध गलती तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी यार, जिसका 102% कॉन्सेंट्रेशन था, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी थी, एंड सवाल पढ़ने का तरीका जिसका जितना अच्छा होगा उसने उससे अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल और डील किया होगा। ठीक है, तो यहां इसका जवाब क्या गया, ऑप्शन नंबर टू। कौन सा जवाब है? ऑप्शन नंबर टू। प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आपके लिए, ढंग से देखना बेटा, पॉज कर करके एक एक सवाल पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। इफ अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट देन। देखो भाई क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स होते हैं, यहां पे स्क्रीन होती है, ठीक है, तो जो सेंटर में है ब्राइट बैंड मिलेगी। तो अगर यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ के लाइट के बजाय आपने व्हाइट लाइट यूज किया, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो क्या होगा बेटा, सभी वेवलेंथ के लिए सेंटर के जगह पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो जीरो होगा। तो 7 के 7 कलर सेंटर पे ब्राइट बैंड बनाएंगे, एंड 7ों कलर मर्ज होके सेंटर पे मिलने वाली क्या होगी, व्हाइट ब्राइट बैंड होगी। तो सेंटर पे क्या मिलेगा, व्हाइट ब्राइट बैंड। यहां ये जो सोर्सेस है S1 S2 मोनोक्रोमेटिक के जगह पर व्हाइट यूज करते हो, 7 कलर की यूज करते हो, तो सेंटर पे सभी आपको व्हाइट ब्राइट बैंड ही मिलेगा। क्या बोल रहा है, इंटरफ्रेंस पैटर्न विल नॉट अपीयर, गलत बात है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल विड्थ, ये भी गलत बात है। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट बैंड विथ व्हाइट फ्रिंज, इसमें सही लग रहा है, सेंट्रल ब्राइट बैंड व्हाइट फ्रिंज है। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क बैंड, गलत बात है। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा तो आप आंसर सेलेक्ट कर लोगे, ये आंसर मेरे को सही लग रहा है। अच्छा आगे की चीज मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट बैंड, बिल्कुल सही है, बिकॉज सारे 7 के 7 वेवलेंथ आएंगे तो वो सेम पाथ आएंगे, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड व्हाइट ही होगा। लेकिन उसके बाद जो बैंड्स बनेंगे उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो दिस बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स, एंड ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो सारा खेल किस पे डिपेंड होता है, लैम्बडा का। अब हमें पता है VIBGYOR के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, तो सबकी बैंडविड्थ कैसे होगी, अलग अलग होगी, तो मिक्स होके व्हाइट बैंड बनेंगे क्या आगे, नहीं, तो कैसे बनेंगे, सारे कलर्स अलग अलग दिखेंगे, तो अलग अलग दिखेंगे तो क्या आएगा, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट बैंड व्हाइट बैंड सराउंडेड बाय कलर्ड फ्रिंजेस। इसके बाद जो फ्रिंजेस मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे, वो कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। समझ में आ गया, तो इस तरह की कहानी होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ये प्रिंटेड सॉल्यूशन भी ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। अब इसमें अगर आप एक जगह पे अटक गए ना तो बहुत टाइम चला गया होगा आपका, जिसने भी पेपर दिया है। देखो क्योंकि साला इसको देखते बैठेंगे हम तो फिर हम उसका एक्सप्रेशन बना ही नहीं पाएंगे। यहां सिंपल सी चीज है, ये किसी भी प्रकार का गेट नहीं है, सिंपल सी चीज है। क्या हो रहा है बेटा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, y = b बार। ठीक है, अब यहां तो मैं पढ़ के आया हूं, समझ के सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चा एग्जाम दे रहा होगा उसके लिए काफी दिक्कत वाली बात है ना यार, वो भरोसा उसका दिमाग मानेगा ही नहीं यार, इतना सिंपल आएगा उसको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड रहता है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत वाली बात होती है, बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता, तो मास्टरों को ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ इतना सीधी सवाल था बच्चों को कर लेना चाहिए था, अबे उसको पता है उसको क्या क्या टेंशन है, समझ में आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, 1, 2, 3, 4 भी गलतियां फिजिक्स में आप करके आए हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पेपर ही ऐसा था बेटा। ठीक है, चलो तो क्या ये ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए इसका, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, गलतियां करने से कभी जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। ठीक है, देखते ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी सवाल था यार, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ध्यान से सुनो, ये EMF हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, हमें EMF दिया है, हमें क्या पूछा था, इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो पूछा था। ठीक है, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, आए, तो इक्वेशन क्या बनेगा, V = E - IR। ठीक है, तो V = E कितना है बेटा, E 10 वोल्ट है, माइनस करंट कैसे आएगा, EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू आर। बहुत बढ़िया, तो ये 10 का 10 हो गया, माइनस EMF कितना है बेटा, 10 है, डिवाइडेड बाय ये 4 + 1 कितना हो गया, 5 इंटू स्मॉल आर क्या है भाई, 1 है, स्मॉल आर 1 है, तो ये क्या हो गया, 5 × 2 = 10, तो 10 - 2 ये कितना हो गया, 8 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना गया होगा, 8 वोल्ट, और बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट। हमें क्या पूछा है,
बैटरी में, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है, द आंसर विल बी 8 वोल्ट। तो ये काफी आसान सवाल आया था, ढंग से अगर आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होगा तो आप ये आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, अब देखो यहां कारागिरी, ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखोगे तो बोले ये पोर्शन तो रिमूव हो गया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये फिजिक्स वाले ऐसे ही गोटी देंगे आपको, सिलेबस रिड्यूस हो गया बोलेंगे और उस पे सवाल आ सकता है, जैसे रोलिंग मोशन में भी एक हुआ था, मैं जब आएगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो निडल वाइब्रेट हो रही है कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, एम। तो बेटा क्या क्या दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी इज इक्वल टू 0.049 टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक निडल परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकंड। तो 1 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको पीरियड कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 20 × t = 5 × 1, तो इस हिसाब से t हो गया 1/4, t कितना हो गया 1/4 सेकंड, ठीक है। 20 ऑसिलेशन के लिए 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 ऑसिलेशन के लिए 1/4 सेकंड लगेंगे, पीरियड हो गया, b हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इस नीडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 9.8 × 10⁻⁶, वो SI यूनिट में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसकी। हमसे क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, तो सब जानते हैं बेटा, सब जानते हैं, जो पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π√i/mb, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, t² = 4π²i/mb। हमें क्या चाहिए, m, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए ना, तो m को इधर ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 4π²i/t²b, सही है, 4 का 4, π² का π², सभी ऑप्शन में पाई स्क्वायर रख रहा है, दिख रहा है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, इंटू i की वैल्यू, i कितना है 9.8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय t², देखो बेटा 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा 1/16 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी किधर है भाई, बी देखो कितना है 0.049। एक बात ध्यान से देखो बेटा, क्या करता हूं मैं कि ये क्या करेंगे, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16 × 64, तो ये हो जाएगा 64π² इंटू, ये क्या है 9.8 × 10⁻⁶, बहुत बढ़िया, इसको क्या करेंगे 1, 2, तो 4.9 × 10⁻², हो जाएगा ये, सही है ना, 4.9 × 10⁻², ये इसका एग्जैक्टली डबल है, तो 64 × 2 = 128π², 128π², माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2 माइनस 6 कितना हो गया 10⁻⁴ हो गया, सही तो जा रहे हैं ना, 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखा है, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला ना आपको, सवाल जो ढंग से पड़ेगा उसका ही सही से है, x × 10⁻⁵, मतलब यहाँ पे 10⁻⁵ लाना पड़ेगा, तो क्या करे देते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 1280π² × 10⁻⁵। तो ये -5 को यहाँ देखना था, साथ में जो वैल्यू है वो आंसर है, तो साथ में क्या वैल्यू है 1280 × π², 1280 × π², ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, जो अच्छा रीडर है, जो बहुत केयरफुली सवाल पढ़ता है, डेटा को अच्छे से ग्रैप करता है, जो प्रोसेस करता है, उसकी मिस्टेक्स, उसकी गलतियां कम हुई होंगी, ओके। जो ढंग से पढ़ता है बच्चा पेपर, तो उसको सभी आता होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे कितना कमीनापन किया, ये एक्स के साथ कुछ दे दिया ना, ऐसे बहुत सवाल थे, आगे भी ऐसे थे, मतलब सीधा सीधा आंसर रखा ही नहीं उन्होंने ऑप्शन में, तो क्या आ गया इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, देखो वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, बहुत बढ़िया। क्या किया, इसके 10 इक्वल्स पार्ट, इसको काट दिया, इसके टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, 10 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो हर एक टुकड़े का 10 टुकड़े किए तो रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका 100/10, ये कट गया, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, क्यों भाई, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, 10 L मीटर की लेंथ थी तो रेजिस्टेंस 100 ओम था, उसके 10 टुकड़े कर दिए तो एक एक का कितना हो गया 10 ओम, तो ये एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। अब क्या किया, फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद
नेक्स्ट फाइव पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दूसरे पांच पार्ट पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, एक दो तीन चार और ये पांच, तो एक वायर के 10 टुकड़े कर दिए इन्होंने और इस तरह का सर्किट बना दिया। तो ये 10 है, 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 हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 50 ओम, ठीक है। एंड इसका कितना होगा, 1/R eq = 1/10 + 1/10 + 1/10, ऐसे पांच बार, मतलब 5/10 एंड उसका उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा, 10/5, 5 × 2 = 10, तो ये 50 और ये 2 सीरीज में है, तो कितना आएगा, 52 ओम विल बी द आंसर, 52 ओम विल बी द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं, ये काफी अच्छा सवाल था, ओके। हमें क्या पूछा है, फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है। तो हम क्या, हमने क्या सीखा था कि भाई यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, कनेक्टेड मास सिस्टम का एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पता करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज नेट फोर्स बाय टोटल मास, क्या समझा, नेट फोर्स, कितना फोर्स लगाया भाई, 10 न्यूटन, बहुत इजी इजी सवाल आए थे, 10 न्यूटन, एंड टोटल मास कितना, 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 2 m/s². अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है ना बेटा 3 किलो की, इसकी एफबीडी बनाएंगे, तो इसकी एफबीडी कैसे बनेगी, बॉडी को सिस्टम से अलग करो एंड सिस्टम पे एक्ट होने वाले फोर्स बताओ, सिस्टम पे एक्ट होने वाला फोर्स ये है, आगे वाले पे आगे, ये इसको N1 बोल देता हूं मैं, और इसको ही पता करना है, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सेम डायरेक्शन कैसे होगा, अपोजिट, तो एफबीडी में ये सिर्फ ऊपर वाला फोर्स दिखेगा, जो बॉडी पे लग रहे फोर्स वो बताना होता है, बॉडी जो फोर्स लगाती है वो फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं होता, ठीक है। एंड सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 m/s², तो N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 × 2, तो कितना, 6 N विल बी द आंसर, कहां गया भाई, 6 N इज द आंसर, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर, ओके आगे चलते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा सवाल था, क्या बोल रहा है, अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल, ओके एक कॉइल है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, 10 cm, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 m, ओके। करंट कितना जा रहा है इससे, इससे करंट जा रहा है बेटा, इससे करंट जा रहा है 7 A, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0/2 I/R, लेकिन बेटा दो कॉइल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल, n कॉइल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू दी है इन्होंने सेपरेटली, कितनी है, 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा 100, करंट कितना है 7 A डिवाइड बाय रेडियस कितनी है 0.1, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा आपको, पाई की वैल्यू रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 1, 2 × 10⁻¹ ऊपर आके +1, तो 10⁻³, 3 में से 7 चले गए, 3 में से 7 चले गए, कितने बचे, -4, 10⁻⁴ बचे, ओके। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 × 3.14, ठीक है ना। सिंपली क्या करेंगे इसको, देखो इसको इसको छोड़ दो, 14 × 3 = 42, 14 × 3 = 42, 42 × 10⁻⁴ रफली, तो -4 का एक जीरो यूटिलाइज कर लेते हैं, तो 4.2 × 10⁻³, ये क्या पता कर रहे हैं, बी, बी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, अगर आप इस 10⁻³ को एडजस्ट कर दिए तो मिली टेस्ला बोलना पड़ेगा, 4.2 mT के आसपास आंसर आना चाहिए, 4.4 Tesla and 4.4 mT, तो ये ज़्यादा सही है, हमारा आंसर 4.2 क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे डिजिट छोड़ दिए थे फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इतना तो सबको आता है यार, ठीक है ना, तो 4.4 mT विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला था, आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया था, आड़े टेढ़े वायर्स, फिर सीधा वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, 10 वायर लगाए, 5 वायर लगाए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाया, उसका मैग्नेटिक फील्ड, एंड पूछा क्या, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, तो उनकी मर्जी है ना भाई, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ में आ गया, तो ये 4.4 mT इसका आंसर आ गया। यहाँ चलते हैं, यहाँ भी बड़ी गोची थी, यहाँ भी बड़ी गोची थी, ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या होता है, सर VS/VP = NS/NP =
आईपी बाय आईएस, सही है। हमें क्या पूछा था, देखो दिया क्या था, एनपी बाय एनएस। सवाल केयरफुली पढ़ने वाले क्या ही स्कोर आया होगा, ठीक है। कंसेप्ट तो सबको आते थे लेकिन सवाल ऐसे थे कि डेटा आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके दिया था, ओके। और पूछा क्या है हमें, वीएस बाय वीपी। देख मेरे भाई, वीएस बाय वीपी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एनएस बाय एनपी। एंड डेटा में दिया क्या था, एनपी बाय एनएस, तो केयरफुली देखना था उसको, एनपी बाय एनएस। तो उल्टा कर देंगे, एनएस बाय एनपी तो क्या आ जाएगा, 2:1। तो वीएस बाय वीपी विल बी 2:1। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। अब जो सुस्ती करेगा, डायरेक्ट ऑप्शन से रहेगा, वो मरेगा, मरेगा कैसे, देखो सबने पढ़ा था डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mke काइनेटिक एनर्जी। तो एच कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैंने आपको बताया है, जब भी आप ग्राफ रीड करते हो तो पहले वाई एक्सिस देखो, देन एक्स एक्सिस देखो, बार बार बताता हूं मैं क्लास में ये। तो यहाँ पे वाई एक्सिस अगर आप देखोगे तो 1/λ² है, तो यहाँ पे 1/λ² लाना पड़ेगा आपको, गड़बड़ मत करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1λ², ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो बेटा इस हिसाब से क्या आ रहा है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, 1/λ² वाई है ना, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्स का ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। गड़बड़ करोगे कि डी ब्रोगली का वेवलेंथ का ग्राफ या तो ऐसा पैराबोलिक ऊपर या नीचे होगा तो फंसोगे। तो ये हमने बनाया, तो ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये पेपर होने के बाद बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस टाइम में पूरा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व किया होता है, फिर केमिस्ट्री, माइंड थक जाता है, कुछ सोच के आता है, कुछ आता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जरूर आती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कोई भी मतलब जानबूझ के गलती करता है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 थ्योरेटिकल सवाल था, क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, देखो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ये बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, ठीक है। अब देखेंगे इस पर फाइनल डिसीजन क्या लिया जाता है, नए एनसीईआरटी के हिसाब से अलग है, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से अलग है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। एटम्स आर इलेक्ट्रिक, जे जे थॉमसन की थ्योरी है भाई, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है, 100% सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, जो ऑप्शन बोल रहा है वो हट गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, एटम स्टेबल तो होते हैं, एंड इमिट्स द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब अगर नए एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो ये हमेशा सही नहीं होता, एटम तो स्टेबल होते हैं लेकिन हर एटम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इमिट नहीं करता। एंड ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो उसमें ये लाइन लिखी है, ये बिल्कुल सही है। तो हम नए के हिसाब से आंसर दूंगा मैं इसका आपको, दोनों स्टेटमेंट, सॉरी यस, पहला सही है, दूसरा गलत है। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन नए एनसीईआरटी के हिसाब से पहला सही एंड दूसरा गलत। मैं तो इसी के साथ जाता, पहला सही एंड दूसरा गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, इस हिसाब से चले जाएंगे। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये भी अच्छा सवाल था, अ बॉब इज रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो क्या किया आपने, एक रस्सी ले ली, उसको एक बॉब अटैच किया एंड इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो, तो इधर टेंशन आएगा, टेंशन का फॉर्मूला इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर 2πf होल स्क्वायर। तो m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा, बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी की, 2 ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने कितनी कर दी, डबल, डबल मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा, वेरी सिंपल। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां जाते हैं, ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के दिया था, ओके, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द डायोड, ऑल द डायोड। देखो
ग्राफ कैसे बनाया था हमने, यहाँ पे जो डायोड था, यहाँ पे जो ग्राफ आया था ये सोलार सेल का ग्राफ था। दिस इज ग्राफ ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल। इसके यहाँ पे जो ग्राफ था, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस डायोड का ग्राफ था, ठीक है। देन यहाँ चल के ये ऐसा जो ग्राफ था ये रिवर्स बायस डायोड का ग्राफ था, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ किसका आएगा, सोलार सेल का। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, फॉर अ सोलार सेल वी आई कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है, सोलार सेल का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, ये सही बात है। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट होता है बिकॉज चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में होता है। यहां तक तो सही बात है, लेकिन जिसने पूरा नहीं पढ़ा वो मरा। आगे देखो, इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मैंने क्या बोला, जो जितना ज्यादा केयरफुली पेपर पढ़ा उसका उतना अच्छा पेपर आया, उतना अच्छा स्कोर आया उसका। समझ में आ रहा है, मेजॉरिटी चार्ज नहीं होता भाई, मेजॉरिटी तो फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है। तो सीधे सीधे लग रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही दूसरा करेक्ट। ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। सही है, देखो यहां तक करेक्ट है। अब किसी ने सोच लिया कि भाई चलो सही है सही है सही है, मरा। फिर आगे पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको। समझ में आ गया, तो इस तरह से पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो ये भी अच्छा सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था। हमारे एक टॉपर ने पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा, ग्राफ देखा, कूद पड़ा, एरिया पता करके। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल एबीसीडी पीवी ग्राफ इक्वेशन। नहीं, यहां पढ़ो, वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी। क्या पूछा है वो जरूरी है ना, फालतू में देखा ग्राफ की कूद पड़े, एरिया पता नहीं करने लेकिन आंसर लिख दिया, गलत बात है। बीसी तो कहां है भाई, ये देखो बीसी इतने प्रोसेस के लिए पूछा है, तो इसके लिए वॉल्यूम कैसे होगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट, अब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। कम से कम ऑप्शन जीरो देखने के बाद तो भी आपको याद आना चाहिए था, ठीक है ना। तो बीसी जो प्रोसेस है उस पर वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन जीरो, सिंपल। ओके, तो ऑप्शन नंबर एक सही था इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी ऐसी सवाल था, क्या था देखो, अ थिन स्फेरिकल शेल चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सी एंड पी, सी पॉइंट सेंटर का है, पी पॉइंट सरफेस का है। शेल मतलब हॉलो स्पीयर, हॉलो स्पीयर के सरफेस पे और सेंटर पे और हर जगह पे पोटेंशियल कैसे होता है, सेम। तो यहां जितना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल यहां, उतना पोटेंशियल यहां, उतना पोटेंशियल यहां। तो वी सी माइनस वी पी या वी पी माइनस वी सी, कुछ भी करो, वी माइनस वी, तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। या सॉलिड कंडक्टर भी होता तो हॉलो शेल की तरह ही काम करता, वॉल्यूम में तो चार्ज रुक नहीं पाता, तो आंसर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफी इजी सवाल आए थे लेकिन ट्रिकी थे, समझ में आ गया। तो हॉलो शेल के लिए जितना सरफेस पे पोटेंशियल उतना सेंटर पे पोटेंशियल उतना हर जगह पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, सारा सिस्टम सीजीएस में था, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड बॉक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मेरे भाई देखो, अगर ये रॉड होगा और इसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा होगा तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो होगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। इसका आई कितना है रे, इसका आई है 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी चीजें सीजीएस में चल रही है। मास कितना है इसका, 400 ग्राम। लेंथ पता करना है, ये 12 का 12 आ गया। ओके, ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, चार एक चार, चार सख 24, 12 सखम 72, ये हो गया 72। एल स्क्वायर की वैल्यू आई 72 इन सीजीएस सिस्टम, तो एल कितना हो जाएगा बेटा, एल विल बी अंडर रूट ऑफ 72। अब हमें पता है 64 अगर होता है यहाँ पे 64 तो उसका 8 आता, मतलब 8 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होना चाहिए सेंटीमीटर में। ये गलत हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, ये 8 से थोड़ा सा बड़ा एंड सेंटीमीटर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, ये देखो भाई इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा सवाल, हर साल इस पे सवाल आ जाता। लास्ट ईयर क्या था कि बोले एंगुलर वेलोसिटी लाइज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन का था, तो ये भी अच्छा सवाल था, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है सर्कुलर मोशन में, मतलब यूसीएम की बात हो रही है, तो यूसीएम की बात हो रही है तो पार्टिकल ऐसे यूसीएम कर रहा होगा, तो होगा क्या, यहां की वेलोसिटी इधर 5 होगी, यहां की वेलोसिटी इधर 5 होगी, तो स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी गलत बात है,
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी गलत बात है, कॉन्स्टेंट स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं, बिकॉज हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होता है। अब बच्चों को क्या लग सकता है, सर वेलोसिटी नहीं तो नहीं, कम से कम एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि वो यूसी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन कहता है वी स्क्वायर बाय आर, एंड स्पीड कारण होने के कारण एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन 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 ट्विस्ट है यहां पे, जब यहां बॉडी होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, जब बॉडी यहां होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड वही होगी वी स्क्वायर बाय आर, इसकी मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन डायरेक्शन देखो ना बेटा, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होगा। इसीलिए तो बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होता, तो एक्सेलरेशन हर जगह चेंज हो जाएगा। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, तो वेरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है, डायरेक्शन बदलती है, एंड सेम चीज इसके साथ होगी। वेरिंग एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो नॉन यूसिव में होता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। तो भी बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बच्चों ने इसमें गड़बड़ करके आए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत अच्छा सवाल था ये फोटोन के बारे में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई इज इक्वल टू एच न्यू, बिल्कुल सही है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, ये बात भी सही है, फोटोन लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तीसरा, द मोमेंट ऑफ फोटोन इज एच न्यू बाय सी, बिल्कुल सही, मैंने आपको सिखाया था एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा, पीसी सिखाया था मैंने आपको, तो पी क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय सी, तो एनर्जी क्या होता है एच न्यू बाय सी, तो ये भी सही लग रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है, बिकॉज वो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक मोमेंटम तो हर कोलिजन में कॉन्स्टेंट होता है, मोमेंटम के साथ साथ अगर एनर्जी भी कॉन्स्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कैसे होता है, इलास्टिक, तो उसमें दोनों चीजें कॉन्स्टेंट होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, मेरे भाई बिल्कुल गलत है, क्यों, बिकॉज फोटोन ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, तो फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, तो जिसमें भी ए बी सी डी है उसके साथ चले जाओ, यहां सही लग रहा है ए बी सी डी, ये चारों सही है, ई ऑप्शन सिर्फ गलत था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही, सही जा रहे बेटा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का सवाल ध्यान से सुनो। एट एनी इंस्टेंट टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, देख मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट दिया था देखो 2t-1, तो इससे वेलोसिटी पता कर ले, वेलोसिटी क्या आएगी ds by dt, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 - 0, तो ये आ गया 2, स्पीड कितनी आ गई 2। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, कितना बच्चों जैसा सवाल आया था वर्क एनर्जी पावर का, और हमने क्या क्या रट के गए वर्क एनर्जी पावर का, पूछा कहाँ से, यहाँ से, मतलब ये तो यही सीन हो गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहा भी नहीं, चूहे का बेटा, चूहे के बेटे का बेटा निकला है, मतलब हद कर दी, इतने इजी इजी सवाल पूछ लिए। ओके, तो क्या आ गया फिर, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, मेरे भाई इंस्टेंटेनियस पावर होता है एफ इंटू वी, फोर्स कितना है 5, वी कितना है 2, 5×10, तो टेबल भी कितने आसान आसान आ गए, देखो मतलब 10 वैट पावर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आना चाहिए इसका, ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, ये काफी अच्छा सवाल था, काफी अच्छा, काफी बेहतरीन सवाल था, देखो हमने ऑप्टिक्स का क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, मतलब ग्लास प्लेट, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ग्लास के अंदर बबल, बबल के अंदर, क्या क्या पढ़ लिया, क्या पूछा, देखो यार समझ में आ गया, कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ लगाना था, यहां से यहां तक स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या आएगा म्यू वन, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, तो इससे इस मीडियम के लगाओ, बाहर एयर है ना, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई मतलब साइन 30, सही है, इज इक्वल्स टू म्यू टू मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू यहाँ का जो रिफ्रैक्शन एंगल है उसको ले लेते हैं आर वन, एंड यहाँ का रिफ्रैक्शन एंगल ले लेते हैं आर टू, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ थिन प्रिज्म आप लिख सकते हो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, सही है ना, ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो इस हिसाब से आर टू क्या आ जाएगा, आर टू आ जाएगा ए माइनस आर वन, और ए यहाँ पे दिख रहा है ना ये साइन, ये सिंबल क्या है 90 डिग्री का, तो आर टू इज इक्वल टू 90 - R1, सही है, आर टू इज इक्वल टू 90 - R1, बहुत सही, ठीक है, इसको यूज करेंगे, तो 1 × sin 30 μ × sin R, साइन आर मतलब ये साइन आर वन, तो साइन 30 कितना 1/2 μ को इधर ले लो 1/2 μ इज इक्वल्स टू साइन आर वन, इक्वेशन नंबर 1। अब स्नेल्स लॉ यहां से यहां के लिए लो, देखो रे ना इस पे आ गया बेटा, तो यहां का जो रिफ्रैक्शन एंगल है
मतलब जो भी यहाँ का आर डैश रिफ्रैक्शन एंगल वो कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू इंटू इसके अंदर का एंगल साइन आर टू, साइन आर टू इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर आ गया ना रे अब, वन इंटू रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ का साइन 90। बताओ साइन 90 कितना, वन। अब ये म्यू का म्यू इंटू साइन आर टू को क्या रखोगे, आर टू देखो ना बेटा, आर टू क्या है 90 माइनस आर वन, तो यहाँ क्या रखेंगे साइन आर टू की जगह रखेंगे 90 माइनस आर वन इज इक्वल्स टू वन। इसको इधर ले लो, साइन 90 माइनस आर वन इज कॉस आर वन, कॉस आर वन इज इक्वल टू वन बाय म्यू, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन वन में साइन आर दिख रहा है, इक्वेशन टू में कॉस आर दिख रहा है, तो एकलौती आइडेंटिटी जो क्लास टेंथ में आपने सीखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उसको अप्लाई करेंगे। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सी चीज करनी है, इक्वेशन वन का स्क्वायर करके इक्वेशन टू का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देना है। करो भाई, इक्वेशन वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर आर वन प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर वन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर वन अपॉन फोर म्यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वन अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। ओके, वन इज इक्वल्स टू यहाँ फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम हो गया, फोर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस वन फाइव, म्यू स्क्वायर को इधर ले लो, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बाय फोर, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव, फाइव का रूट निकलता नहीं है एंड चार का रूट कितना जाएगा दो, तो म्यू इज इक्वल टू रूट फाइव बाय टू, म्यू इज इक्वल टू रूट फाइव बाय टू, कहाँ पे रूट फाइव बाय टू। ये एकलौता सवाल था जिसमें आपको टेक्निकली थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बाकी सब तो सवाल सीधे सीधे थे लेकिन ट्रिकी थे, डेटा में कुछ प्रॉब्लम था या जो भी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ये कैपेसिटर का व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये टू ये टू ये टू ये टू, तो ये वायर तोड़ दो, समझ में आया कि नहीं, इसमें क्या करते हो आप, ये तोड़ देते हो, ये कनेक्शन तोड़ते हो आप, बैलेंस है तो यहाँ से कोई करंट नहीं बहता, ये तोड़ देते हो आप। अब आपको ये याद रखना था कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक हिंट यूज करते हैं हमेशा, दैट इज के बी सी रीलोडेड। रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है, इंडक्टर सीरीज में ऐड होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में ऐड होता है, पावर ऑफ बल्ब पैरेलल में ऐड होता है एंड कैपेसिटर भी पैरेलल में ऐड होता है एंड सीरीज में प्रोडक्ट बाय सम होता है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो इन दोनों कैपेसिटर से मैं एक कैपेसिटर बना देता हूँ, ठीक है, एंड इन दोनों कैपेसिटर से मैं एक कैपेसिटर बना देता हूँ, ठीक है, और ये रहा मेरा पॉइंट ए एंड ये रहा मेरा पॉइंट बी। अच्छा, तो सीरीज में कैपेसिटर क्या होता है, दिस इज फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट पावर ऑफ बल्ब कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इंडक्टर, इन दोनों का खेल एक जैसा खेलते हैं, रेजिस्टेंस का याद होता है सीरीज में ऐड करते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड करते हैं एंड दो रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो प्रोडक्ट बाय सम याद है हमें, ठीक है। तो कैपेसिटर का उल्टा होता है रेजिस्टेंस के उल्टा, तो सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होंगे तो ये दो दो का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय सम टू बाय फोर, तो ये टू कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आना चाहिए, वन। तो इसका वैसे ये दो दो सीरीज में तो टू इंटू टू प्रोडक्ट बाय सम फोर, तो ये भी कैंसिल, आंसर कितना आना चाहिए, वन। और वन और वन पैरेलल में, पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होंगे, वन एंड वन कितने आएंगे, टू, टू माइक्रोफेरेड, ठीक है। अपने क्लास का 720 आउट ऑफ 720 मिस किस वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, समझ में आ गया, वो गलत करके आया उसने। ओके, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, कोई बात नहीं, होता है, होता है, गलती होती है, गलती इंसानों से होती है ना, आप गलती कर रहे हो मतलब इंसान हो आप, ठीक है ना भाई। ओके, चलो आगे चलते हैं। द क्वांटिटीज, ये तो बच्चों का सवाल था यार, बच्चों का सवाल था। द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया सबटेंडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो डायमेंशनलेस है। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, क्यों सप्लीमेंट्री बोलते थे, बिकॉज उनके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, वो दो ही क्वांटिटी ऐसे जिसके पास यूनिट होने के बावजूद डायमेंशंस नहीं है, तो उसका डायमेंशन नहीं है, तो स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं है, एंगल का भी डायमेंशन नहीं है, तो ये सही है। स्ट्रेस का होता है भाई डायमेंशन, एंगल का नहीं होता, स्ट्रेन का नहीं होता, लेकिन आर्क का तो होता है ना, मीटर में गिनते, एंगुलर स्पीड का भी डायमेंशन होता है, स्ट्रेस का भी होता है। तो सॉलिड एंगल जैसे डायमेंशन किसके, स्ट्रेन के और एंगल के, मतलब सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एंड एंगल, प्लेन एंगल, दीज थ्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, ऑप्शन नंबर वन आना चाहिए, इसका बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्टील वायर, इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन स्टील वायर ऑफ लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी, वन मीटर, इफ द इलास्टिक लिमिट एंड यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, बी केयरफुल,
इलास्टिक लिमिट एंड यंग्स मॉडुलस आर रिस्पेक्टिवली. इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस कितना है, 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड यंग्स मॉडुलस कितना है भाई इसका, 2 × 10⁻ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमें क्या पता करना था, इलोंगेशन. कोई लोड नहीं, देखो इलास्टिसिटी के दो प्रॉब्लम आ गए इस बार, ठीक है ना. तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, तो कोई भी टॉपिक को जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये इससे सवाल नहीं आते, उससे सवाल नहीं आते. करना है तो पूरा ही करके जाना होगा. ओके अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके तो ओरिजिनल लेंथ तो वन है भाई, यहाँ वन रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें इलोंगेशन पता करना है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो. तो L इज इक्वल टू, ये तो वन आ गया ना, तो हट गया ये. तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. तो मेरे भाई स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस है 8 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻¹. 2 × 4 = 8, प्लस 11 ऊपर जाके −11, 8 − 11 −3. तो 4 × 10⁻³ मीटर, मतलब आंसर आना चाहिए 4 मिलीमीटर. 4 मिलीमीटर इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है. ओके ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके आगे बढ़ते हैं भाई. ये देखो, ये काफी अच्छा सवाल था, लेंजेस लॉ का. लेंजेस लॉ का काफी बेहतरीन सवाल था, डायग्राम में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी. देखो ये ए ना ऊपर से वायर गया है, ऊपर से गया है ऐसे करके. एंड यहां देखो डी, ये पीछे से वायर आया है ऐसे, पीछे से ऐसे 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 करके वायर आया है. ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, इन अबो डायग्राम स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनोइड 2 फ्रॉम सोलेनोइड 1. सोलेनोइड 2 सोलेनोइड 1, इसको ऐसे मूव किया जा रहा है v वेलोसिटी से. तो नॉर्थ पोल अगर आप अवे करेंगे तो लेंस क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूस इज प्रोड्यूस इट, जिसके वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है उसी को अपोज करेगा. तो भाई इस सोलेनोइड के नॉर्थ पोल दूर जाने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉर्थ पोल दूर जाना कारण है, तो उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकना होगा. तो नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकना होगा तो यहां पे क्या बनाना होगा, साउथ पोल बनाना होगा. बिकॉज साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, कॉज को डेट करेगा. तो साउथ पोल अगर बनाना होगा तो ऐसे करंट भेजना होगा उसमें, ऐसे करंट भेजना होगा, मतलब ऐसे करंट भेजना होगा, इस तरह से करंट भेजना होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से. तो करंट कहां जा रहा है, ए से बी की तरफ, सोलेनोइड वन में ए से बी की तरफ, बी से ए नहीं, ए से बी की तरफ, बी से ए नहीं. ठीक है, दो ऑप्शन हट गए. दूसरा, अब देखो साउथ पोल नजदीक आने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउथ पोल के नजदीक आने को अपोज करना होगा. तो साउथ पोल के नजदीक आने को अपोज करना है तो यहां पर भी क्या बनाना होगा, साउथ पोल ही बनाना होगा. बिकॉज साउथ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो नजदीक आने को रिपेल साउथ पोल करेगा. तो इस तरह का अगर साउथ पोल यहां पर बनाना है, साउथ पोल अगर यहां पे बनाना है तो करंट का डायरेक्शन कैसे चाहिए. ओके ये देखो, इस तरह से चाहिए, मतलब ये ऐसे होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा, ऐसे होगा अंदर लाइन जाएंगे ना तो साउथ पोल बनेगा. तो इसमें ना बेटा इस तरह का करंट चाहिए. तो इस तरह का करंट मतलब घूम घाम के ये ऐसे करके डी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ, कहां गया, डी से सी की तरफ. एंड ये एक बचा था ना, सी से डी की तरफ नहीं. तो ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही, सही है. इस तरह का तो काफी आसान था. ठीक है, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल को नजदीक ले जा रहे हो तो साउथ पोल बन जाएगा. नजदीक आने को अपोज, दूर जाने को अपोज. ठीक है, इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ से पता कर ली. यहां चलते हैं, ग्रेविटेशन के भी दो सवाल आए थे. पहला सवाल, मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड डायमीटर इज हाफ, मतलब रेडियस भी हाफ होगी. रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वेयर. तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. तो जी ऑन प्लैनेट बाय जी ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ अर्थ इन टू रेडियस ऑफ, उल्टा हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में प्लैनेट अर्थ का प्लैनेट अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल में प्लैनेट अर्थ का अर्थ प्लैनेट एंड स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट. मास ऑफ प्लैनेट की जगह 1/10 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इन टू इन ब्रैकेट रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट. तो वो 2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट 2/1 का स्क्वायर. बहुत बढ़िया, तो भाई ये कट गया. तो 1/10 × 2 का स्क्वायर 4,
ये जी ऑन प्लैनेट पता करना है, जी ऑन अर्थ 9/8 होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको इधर ले लो, क्या हो जाएगा, जी ऑन प्लैनेट इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 9.8, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 0.1, 4 बचे, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 1 9 2 जा 18, 19, 1 2 1 जा 1, 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर, 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4, समझ आ रहा है। तो सिंपल पेपर था लेकिन ट्रिकी था, मैं बता रहा हूँ आपको, ओके फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये देखो ठीक है, बहुत आसान था ये भी, ध्यान से सुनो, ये ऐसे करके लाइन्स होते हैं, लाइन्स होते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 3 में हुआ, लेमन सीरीज बामर सीरीज के बारे में बात हो रही, 2 से 3 में, 2 से 4 में, 2 से 4 में, उसके बाद 2 से 5 में, 2 से 5 में, उसके बाद 2 से 6 में, 2 से 6 में, जरा ध्यान से सुनना बेटा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा, तो एच सी कॉन्स्टेंट, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो आखिरी वाला एनर्जी का गैप है ये सबसे ज्यादा है, ये एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, तो ये एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम, तो चौथे वाले के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसको वेवलेंथ सबसे कम, तो सबसे कम वेवलेंथ ये दिख रही है अपने को, एंड जो पहले वाला है वो एनर्जी गैप सबसे कम है, यहां का यहीं पे गया ना, तो एनर्जी गैप सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो पहले वाले के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सी है, ये, इतने में अपना काम हो जाएगा। ए का थ्री नहीं है, गलत, ए का 3 बिल्कुल सही है, 1 से ही हो गया काम। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं, डी का 1 बिल्कुल सही है, तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ये देखो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, ओके आगे बढ़ते हैं, देखो ऑप्शन नंबर 27, क्या ये ब्रिविस्टर्स लॉ है, ब्रिविस्टर्स लॉ में मैंने क्या समझाया था आपको कि भाई ब्रिविस्टर ने लाइट को पोलराइज किया था बाय रिफ्लेक्शन, क्या किया था इसने, इसने एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढा था जिस एंगल पर लाइट जब इंसिडेंट की जाएगी, कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट मतलब जिसमें सभी तरह के ऑसिलेशन होते हैं, तो इसका यह कहना था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर रखेंगे तो लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, तो इसका यह कहना था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूरी तरह से पोलराइज होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज नॉट कंप्लीटली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, मतलब इस पे ना दोनों तरह के वाइब्रेशन होंगे, समझ में आ गया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये जो लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ओके रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, एंड ये जो है ये पार्शियली पोलराइज होगी, कैसे होगी, पार्शियली पोलराइज होगी, ठीक है, एंड ये कैसी रहती है, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज, गलत बात है, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, ये भी गलत बात है, बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, ये भी गलत बात है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, बिल्कुल सही है, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज, बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जब अनपोलराइज लाइट एक स्पेसिफिक एंगल पे इंसिडेंट करवाई जाएगी, जब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से पोलराइज है एंड रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज है। फटाफट आगे चलते हैं, मैच द कॉलम, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की सस्केप्टिबिलिटी 0 होती है, भाई उसमें मैग्नेटिज्म ही नहीं है तो सस्केप्टिबिलिटी 0, डायमैग्नेटिक की सस्केप्टिबिलिटी निगेटिव होती है,
डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी, अरे मेरे भाई तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और एक ऐड कर दे तो नॉन मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिज्म ही नहीं है। डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होते हैं, मतलब उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है। फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज़्यादा होती है ससेप्टिबिलिटी, एंड पैरामैग्नेटिक की एक से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ए का कितना भाई, ए का दो, ए का दो गलत, ए का दो गलत। बी का, बी का तीन, बी का तीन, यहाँ बी का तीन है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत आसान सवाल थे, सीधे सीधे सवाल थे, ओके, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है भाई, कि टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, दोनों का मास कैसा है, सेम, आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है। कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी वी वन, ओके, एंड बॉडी बी इज एट रेस्ट, ये बॉडी कैसी है, रेस्ट। ये जो सिचुएशन है ये कब की है, बिफोर कोलिजन, एंड कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इसका मास m, इसका मास m, एंड ये वेलोसिटी से चलेंगे v2, किससे चलेंगे v2, सिस्टम मूव्स विद वेलोसिटी v2, द रेशियो v1 बाय v2। देखो मेरे भाई, किसी भी तरह का कोलिजन हो, हर कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये आफ्टर कोलिजन वाला सीन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कोलिजन के बाद दो बॉडीज एक दूसरे को चिपक जाएंगी। तो अब इनिशियल मोमेंटम क्या आया, m इंटू वी वन प्लस m इंटू जीरो इज इक्वल्स टू m प्लस m, टू m इंटू वी टू। कोलिजन कोई भी हो, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ओके, अगर वो इलास्टिक है तो मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, अगर इनइलास्टिक है तो मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कोलिजन के बाद दो बॉडीज एक दूसरे को चिपक जाएंगी, ओके। हमें क्या पता करना था, वी वन बाय वी टू, तो ये एम से एम कट गया, तो वी वन बाय वी टू, उधर कितना बचा बेटा, टू एस टू वन, तो इसका आंसर आना चाहिए टू एस टू वन, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, ऑप्शन नंबर टू, टू एस टू वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इमिशन वाला प्रॉब्लम। अब जब सिलेबस डिक्लेयर हुआ तो बोला कि भाई इमिशन का रिड्यूस हो गया, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है, क्या है भाई, ये प्लस ई माइनस ई कैंसिल कर दो। अब जब अल्फा रेज इमिट होंगे तो एटोमिक नंबर दो से कम होगा तो 82 का क्या हो जाएगा, 80, एंड मास नंबर चार से कम होगा 290 का हो जाएगा 286। ये प्लस ई माइनस ई के साथ कैंसिल हो गया। बीटा इमिशन में क्या होता, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता 81, और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिंपल से रूल है भाई, सीधे सीधे रूल है। तो 286.81 विल बी द आंसर, 286.81 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही। सीधे सीधी बात है भाई, किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा रेज निकलेंगे, एटॉमिक नंबर दो से कम होता, मास नंबर चार से कम होता, बीटा रेज निकलेंगे, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता, वो प्लस ई माइनस ई में कंफ्यूजन होना ही नहीं था, उसको कैंसिल आउट कर दो। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इक्वेशन ऑफ वेव देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहता, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यूनिट पे फोकस करो, मीटर में है, तो ये जो रहता यहां लिखा हुआ, ये एम्पलीट्यूड रहता, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया बेटा इसका, 5 मीटर इज द एम्पलीट्यूड। अच्छा, जो टी के साथ रहती ना चीज वो ओमेगा रहती, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, पाई टी, ठीक है, टी से टी कैंसल। हमें क्या पता करना था, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, सही है ना, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड आ गया 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर गलत, 5 सेंटीमीटर गलत, 5 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है। अब पीरियड ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू ये पाई, भाई पाई से पाई उड़ गया, टी को उधर भेज दो, तो टी कितना आना चाहिए, टी विल बी 2 सेकंड, टी कितना होगा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड और 5 मीटर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 31.2 सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सीधे सीधे सवाल थे, जिसको जीएमसी सपना है उसके लिए तो बहुत आसान पेपर था, 35-40 सवाल बहुत ही आसान थे। अ थिन सर्कुलर फ्लैट डिस्क ऑफ रेडियस इतना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्रॉम द सरफेस। मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो ये एक डिस्क है, ये डिस्क अगर लिक्विड में रखेंगे तो इस पे नीचे की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, अगर आप इसको ऊपर लिफ्ट करवाना चाहते हो तो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, वेट से ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स जो लगेगा, बिकॉज ये लिक्विड में फंसी हुई है, लिक्विड के अंदर रिंग फंसी हुई है, सरफेस में लिक्विड के ऐसे फंसी हुई है, तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एक्चुअल लेंथ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर।
एक्चुअल लेंथ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। अब ये सर्कुलर डिस्क है तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। अगर ये रिंग होती तो बाहर वाला भी होता, अंदर वाला भी होता, लेकिन बेटा ये डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो एक्चुअल लेंथ इन कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, टी इंटू टू पाए आर। मान लो ये रिंग होती तो बाहर का 2πr, अंदर का 2πr, 4πr मतलब एक्चुअल लेंथ कॉन्टैक्ट में आता। तो देखो मेरे भाई सरफेस टेंशन कितना है, 0.07 इंटू 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, मीटर कर लेते हैं, 4.5 इंटू 10^-2। ठीक है, देखो ये 7 तो ये क्या हो गया 0.01, मतलब ये हो गया 10^-2, 10^-2 तो क्या हो गया 10^-4 इंटू, ये क्या हो गया 44 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 9/2, आधा है ना, 9 का आधा, तो ये कितना हो गया 22, 9 × 2 = 18, 1 × 9 = 18, 19, 198 इंटू 10^-4 न्यूटन। तो एक जीरो अगर यहाँ यूटिलाइज करते हो तो 19.8 इंटू यहाँ क्या बचा 10^-3 न्यूटन, 10^-3 न्यूटन मतलब मिली न्यूटन, 19.8 मिली न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। ये देखो भाई बिल्कुल सही, ठीक है, सरफेस टेंशन का सवाल था, फ्लूइड में से सरफेस टेंशन से ही सवाल आया था। ओके, तो ये कौन सा गेट है, मेरे हिसाब से सर ये नैंड गेट है। NAND गेट के अगर दोनों इनपुट कॉमन कर दे तो वो NOT गेट की तरह काम करता है। ये कौन सा गेट है, NOR गेट है। NOR गेट के दोनों इनपुट अगर कॉमन कर दे तो वो एक NOT गेट की तरह काम करता है। तो ये A इधर जाके क्या बन जाएगा, A बार बन जाएगा, B इधर जाके क्या बन जाएगा, B बार बन जाएगा। तो ये भी कौन सा गेट है, NOR गेट है, मतलब OR का नेगेशन। इसको जो भी दो इनपुट मिलेंगे, NOR गेट को इनपुट क्या मिले, A बार B बार, तो NOR गेट क्या करेगा, इनकी और करके निगेशन ऐसे कर देगा। ये आ गया y इज इक्वल टू, जो इनपुट मिले इसको, एक मिला a बार, दूसरा मिला b बार, इनपुट का और करके निगेशन, इनपुट का और करके निगेशन। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जब हम a बार बार प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, b बार बार, बार का बार, ये बार ये बार कैंसिल, ये बार ये बार कैंसिल, तो क्या आ गया a डॉट b। a डॉट b किसका होता है, एंड गेट का। तो सिंपली ये क्या है बेटा, एक सिंपल एंड गेट है। बहुत सारे सवाल सॉल्व करवाए थे प्रैक्टिस में इसके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये देखो इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन, ठीक है भाई, असर्शन क्या है, पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट 2 मीटर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल मोमेंट पी, इतना डायपोल मोमेंट है इज इतना, तो पोटेंशियल पता करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज V is equal to KP by R square. तो K कितना होता है? 9 into 10^9 into P. Dipole moment कितना है इसका? 4 into 10^-6 divided by R square. कितने दूर? 2 का square. 2 का square कितना? 4. तो 4, 4 cancel. 9 में से 6 गए 3. मतलब 9 into 10^3 volt. कितना बोल रही है? 9 into 10^3 volt. मेरे भाई असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, रीजन, पोटेंशियल इज प्लस और माइनस 2p, मतलब ये तो क्या हो जाएगा k, मतलब 2kp बाय r स्क्वायर एट r एनी एक्सियल पॉइंट। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है कि पोटेंशियल डबल होगा, बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया। तो ये जो रीजन है ये गलत बात है, यहां 2 आ ही नहीं सकता। तो क्या असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये रोलिंग मोशन वाला सवाल था, यहां क्या होगा, देखो बॉडी गोल भी घूम रही है ओमेगा से, आगे भी चल रही है वी से, तो ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से आगे वी टी इज इक्वल टू कितना आएगा वी, एंड पीछे कितना आएगा वी, किसके वजह से, रोलिंग के वजह से पीछे वी, ट्रांसलेशन के वजह से आगे वी। और इस पॉइंट की जो टेंडेंसी है, ट्रांसलेशनल का कॉम्पोनेंट कितना होगा वी, एंड रोलिंग का कॉम्पोनेंट भी कितना होगा वी, बिकॉज जब ये चक्का ऐसे घूम रहा है तो यहाँ के पॉइंट की टेंडेंसी रोलिंग की वजह से आगे जाने की होगी, यहाँ के पॉइंट की टेंडेंसी पीछे जाने की वजह से होगी, ट्रांसलेशनल का कॉम्पोनेंट वी, रोटेशनल का कॉम्पोनेंट वी। अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो ये दोनों वेलोसिटीज कैसे होते हैं, सेम, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है क्यू की कितनी हो जाएगी 0, एंड नेट वेलोसिटी ऑफ पी कितनी हो जाएगी 2v। तो क्या होगा, पी की स्पीड ज़्यादा, क्यू की कम, पॉइंट पी मूव स्लोअर, गलत बात है, पॉइंट पी मूव फास्टर देन क्यू, बिल्कुल सही बात है, बोथ मूव विद इक्वल स्पीड, गलत बात है, पी हैज जीरो स्पीड,
पी नहीं, क्यू का बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है। देखो इसकी टू भी आ गई एंड ये अपेरेंटली कैसे रहेगा, रेस्ट रहेगा। अब क्या बोला कि भाई जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ये हर कोचिंग वाले ऑनलाइन आगे बोले ये सिलेबस रिड्यूस होगा, रोलिंग मोशन हट गया, हमने पढ़ाया था, ठीक है, और उससे सवाल भी आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं भाई, देखो क्या बोल रहा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। If I is the current in the circuit, then gap between the plate, there is no current. देखो सिंपल सी चीज है मेरे बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा करंट होता है? यहाँ पे कंडक्शन करंट होता है, एंड इसके बीच में कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है एंड डायरेक्शन भी सेम होता है। मैंने सिखाया था किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक में, ठीक है ना। तो देर इज नो करंट, गलत बात है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल एंड आई फ्लोज थ्रू इन द सेम डायरेक्शन। दो कैपेसिटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एंड कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता, सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर, ग्रेटर कहां से आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर टू सही है, ऑप्शन नंबर टू। तो दो कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होती है कंडक्शन करंट की तरह। यहां चलते हैं 37 पे, क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत बढ़िया, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सही बात है। हमसे नॉट पूछा है, नॉट मतलब कौन सी नहीं है, ये है मतलब ये आंसर नहीं है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, याद है कि नहीं? इतनी ही एनर्जी डेंसिटी किसमें होती है? मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये दोनों कैसे होते हैं? सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। दे ट्रैवल विद स्पीड इतना, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वैक्यूम इतना होता है एंड मीडियम में म्यू इप्सिलॉन आ जाता है, फिर म्यू के जगह म्यू नॉट म्यू आर, इप्सिलॉन के जगह इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, ये सारी चीजें करते हैं हम। दे ओरिजिनेट चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत बात है एंड जो गलत बात है वही हमारी सही बात है, मतलब वही हमारा आंसर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, जो चार्ज रेस्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, जो चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चढ़ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा, एंड जो चार्ज एक्सेलरेटिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इमिट करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है। फटाफट खत्म करते हैं भाई, देखो यहां चलते हैं। कितना इजी सवाल डाला बे, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सवाल कहां से डाला मेरे भाई। क्या बोल रहा है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई, सिंपल वे फॉर्मूला बेस्ड सवाल। एफ ओ ऑब्जेक्टिव कितना है? 140 एंड एफ ई कितना है? 5। हजार बार समझाया, जो बड़ा नंबर है ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा, सिंपल सी चीज है। 5 × 5 = 5, 2 × 10 = 48, सिंपल सा आंसर था बेटा इसका, 28 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस का भी कोई झमेला नहीं था, यहां आ जाते हैं। टू हीटर्स ए एंड बी, देखो मैंने क्या समझाया था आपको, के बी सी रीलोडेड, स्प्रिंग कांस्टेंट, पावर ऑफ बल्ब एंड कैपेसिटर का खेल कैपेसिटर की तरह चलेगा एंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर का खेल एक जैसा चलेगा। क्या बोला यहाँ पे? ए एंड बी ऑफ पावर 1 kW एंड ये बेटा तुम्हारा P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। दोज आर टू फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले कैसा कॉम्बिनेशन है इसका? सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये P1, इसका P2, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, बाद में कैसे कनेक्ट किया इसको? पैरेलल में। तो इनका रेशियो पता करना है, ये P1 ये P2, सिंपल सी चीज है। एक बात बताओ, बल्ब का खेल हम कैसे खेलते हैं? कैपेसिटर की तरह। तो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट बाय सम, एंड जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो सीधा ऐड होंगे, मतलब P1 + P2, ठीक है। P1 कितना है? 1, P2 कितना है? 2, तो 1 × 2 / 1 + 2 / 1 + 2, तो ऊपर 2 × 1 = 2, ये 3, ये 3, 3 × 3 = 9, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2s2 = 9। देखो कितना सीधा सीधा एंड सिंपल सिंपल सवाल आए थे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बस आपको डरना नहीं था एंड हिम्मत से आगे बढ़ते रहना था। ग्राफ वाला सवाल आ गया, द फॉलोइंग ग्राफ, कौन सा ग्राफ है? टी वर्सेस वी। तो आप क्या करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, कुछ ऐसे कर दिया तो क्या कांस्टेंट हो गया? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अच्छा, यहां से 3 लाइन ड्रॉ करो, 1, 2
3, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? ये 1 लाइन है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ का T1 टेम्परेचर हो गया, यहाँ का T2 हो गया, यहाँ का T3 हो गया। तो ग्राफ से समझ आ रहा है बेटा कि T1 बड़ा है किससे? T2 से, एंड T3 उससे कम है। तो अब इक्वेशन यूज करो, कौन सा? PV इज इक्वल्स टू NRT, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और इस लाइन पे हमने वॉल्यूम कैसे लिया? कांस्टेंट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा, तो जिस ऑर्डर में टेम्परेचर लिखा है उसी ऑर्डर में प्रेशर आ जाएगा। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल क्या हलवा सवाल है, हलवा झंडू झंडू सवाल है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। मेरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर तू स्लोप लेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। देख यहां पे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो इस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसके लिए स्लोप कैसा? जीरो। इसके लिए स्लोप कैसा? जीरो। एंड इसके लिए स्लोप निगेटिव, निगेटिव एंड कांस्टेंट। तो इतने देर में स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, थोड़ी देर में स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, थोड़ी देर के लिए जीरो, थोड़ी देर के लिए जीरो, एंड थोड़ी देर के लिए निगेटिव कांस्टेंट। तो ये सही मैच हो रहा है, उस जैसा ग्राफ आ ही नहीं सकता। यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन वेरिएबल, गलत बात है, ये भी गलत बात है। तो थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए जीरो, थोड़ी देर के लिए निगेटिव, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव कांस्टेंट, जीरो निगेटिव कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42, ध्यान से सुन। चूज द करेक्ट सर्किट, ये बोनस भी हो सकता है आपको, अब डिसाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमको। तो ब्रिज भी बैलेंस, देखो निगेटिव, देखो पहले गलत ऑप्शन हटा देंगे आप, पॉजिटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये बंद हो गया, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया डायोड, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा यहाँ देखते हैं, निगेटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ देखते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, गलत बात है, रिवर्स बायस हो गया डायोड, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, लेकिन ये वायर शॉर्ट हो गया ना बेटा, ये शॉर्ट हो गया। एंड 5U पैरेलल विद सम रेजिस्टेंस, 5U पैरेलल विद, मान लो कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका 2 ओम, तो 2 से भी कम रेजिस्टेंस आएगा, ये पता नहीं है, तो रिजल्टेंट वैल्यू 5 से कम आ जाएगी, 5 से कम तो कन्फर्म आनी है। तो ये क्या हो गया? 10/15, तो ये भी क्या आना चाहिए? 10/, लेकिन यहाँ क्या है बेटा? 5 से कम आएगा, बिकॉज 5 और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 2/3 आना चाहिए, तो 2/1 ही आएगा यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? 2/1, तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या फिर? यही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखते क्या है, 10/15 मतलब 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 10/, और ये 5U प्लस ये डायोड का कुछ आ गया रेजिस्टेंस, ये ऐड होके ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा इसका। ठीक है ना, रेजिस्टेंस का डायोड। ओके, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, क्या बोल रहा है? इफ मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज। देखो भाई, जब मैंने आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था तो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ाए थे, उसमें एक लॉ था, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, दैट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। तो किस पे डिपेंड करता भाई? टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान, देखो टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, बहुत बढ़िया। ओके, क्या बोल रहा है? मास ओरिजिनल से 3 times कर लिया, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बचा क्या? लेंथ इज मेड हाफ, लेंथ इज मेड हाफ, मतलब L2 इज इक्वल्स टू L1/2। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T2 बिकम्स x/2 times T1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो कितने कमीनापन किया है, मतलब x की वैल्यू डाल दी, ऐसे 2 सवाल पूछ लिए इस बार, पहले भी हमने एक सॉल्व किया जिसमें x की वैल्यू सॉल्व करनी थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको प्रोसीड करते हैं। t की जगह क्या लिखेंगे? 2π अंडर रूट ऑफ L2/g इज इक्वल टू x/2 का x/2, t1 2π अंडर रूट ऑफ L1/g, तो 2π गया, अंडर रूट g गया। ठीक है, अच्छा क्या करेगा बेटा? देख जहां L2 है वहां L1/2 डाल दे, तो अंडर रूट ऑफ ये जो L2 है यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? L1/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा?
x बाय टू, यहाँ क्या बचा अंडर रूट ऑफ l1। देख मेरे बेटा l1 कैंसिल, ये 2 ऊपर ले ले, ये रूट में है, तो x क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा रूट टू, तो ये कट गया तो रूट ऊपर चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई रूट टू। सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी रूट टू। ऑप्शन नंबर 2 101% करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 देख ले सही, ठीक है। अच्छा यहाँ चलते हैं भाई, देखें ये बहुत अच्छा सवाल था, जब मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रेविटेशन से सवाल आ रहे हैं उसमें क्या यूज नहीं होता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ये रहा तेरा अर्थ, ये रहा तेरा अर्थ जिसका मास कितना है कैपिटल m, जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल r। हमने क्या करना है, यहाँ से सैटेलाइट को उठाना है, ओके। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m, सैटेलाइट का मास कितना है स्मॉल m, और कहाँ लॉन्च करना है और रेडियस r, इन ऑर्बिट ऑफ अल्टीट्यूड, ध्यान से सुन अल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो देखो ना इस सैटेलाइट को उठा के ले जाना है कहाँ तक, ऐसी अल्टीट्यूड तक जिसकी हाइट कितनी है 2r, तो देखो इसके ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है, तो सैटेलाइट यहाँ जाके क्रिटिकल वेलोसिटी से चल रहा होगा। सिंपल सी चीज है, इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 1, इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 2, तो k1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू k2 प्लस u2। तो देखो k1 पता करना है, यहाँ पे तूने कितनी एनर्जी दी इसको कि ये यहाँ पे जाके लॉन्च हो गया। u1 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू k2, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस r प्लस 2r कितना 3r। इससे हमें काउंट क्या करना है, k1 पता करना है, तो k1 का k1 ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होने पर क्या हो जाएगा जी कैपिटल m स्मॉल m बाय r, ये माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r, एंड ऑलरेडी यहाँ क्या बचा है प्लस हाफ m, vc क्या होता है अंडर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h, 2r प्लस r कितना 3r इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये यहाँ 3 तो यहाँ 3 बेस सेम हो गया 3r बेस सेम हो गया, ऊपर क्या बचा 3gmm माइनस gmm, तो क्या हो जाएगा 2g कैपिटल m स्मॉल m, और ये क्या बच गया भाई प्लस, स्क्वायर कर लो इसका 1/2 m जी कैपिटल m बाय 3r, तो 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बेस सेम हो गया बेटा इसका 3 2 6 3 2 6, तो ये क्या हो गया 6r, ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 4 4 gmm प्लस gmm मतलब कितना हो गया 5g कैपिटल m स्मॉल m, 5/6 वाला आंसर होगा, ये देख 5/6 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देख 45, ये बहुत अच्छा सवाल था, अ शीट इज प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, मान लो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है, इसके सामने आपने एक शीट रख दी ऐसे करके, ठीक है, ये शीट है, ठीक है भाई। अच्छा अब देखते हैं कौन से बेस्ट ऑप्शन है, अ फोर्स नीडेड टू, फोर्स की जरूरत होगी, पहला ऑप्शन होल्ड द शीट देयर इज अ मैग्नेट, क्या बोल रहा है, होल्ड फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटिक होगी तो ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इसको रोके रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये मैग्नेट इसको रिपेल करेगा, तो हमें ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो हमको इसको रोक के रखना पड़ेगा, अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ जोर से खींचेगा, तो हमें जोर से पकड़ के रखना पड़ेगा इसको, तो ये जो पहली बात बोल रहा है ये मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। दूसरा, होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, देख मेरे भाई अगर ये लकड़ी है इसको तो मैग्नेट के बाजू में रखेगा, तो लकड़ी मैग्नेट की तरफ ना अट्रैक्ट होगी ना रिपेल होगी, तो नॉन मैग्नेटिक है तो इस पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है, अगर नॉन मैग्नेटिक है शीट तो इसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तीसरी चीज, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, देख जब तू इसको चलाने की कोशिश करेगा फोर्स लगा के तो इसका फ्लक्स बदलेगा, इसमें एडी करंट्स डेवलप होंगे, तो एडी करंट्स क्या करेंगे मोशन को अपोज करेंगे, आगे चलने को अपोज करेंगे, तो आगे चलने को अगर अपोज करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स को ओवरकम करने के लिए तेरे को और एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगर तेरे को कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाना है तो इस पर क्या करना पड़ेगा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, तो इसको खींचने की कोशिश करेगा
तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल की शीट मूव हो रही है तो अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएंगे एंड एडी करंट्स इसके चलने को अपोज करेंगे, इसके चलने को अपोज करेंगे। तो अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एडी करंट की वजह से जो फोर्स आ रहे हैं उसको अपोज करने के लिए तुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो फोर्स लगाना जरूरी है। अच्छा, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोथ नॉन कंडक्टिंग। देख, अगर ये लकड़ी की शीट है तो इसको खींचेगा तो मैग्नेट का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो नॉन कंडक्टिंग में फोर्स लगाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कंडक्टिंग है तो होल्ड करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज मैग्नेट खींच लेगा या ढकेल देगा, एंड इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर तू उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने की कोशिश करेगा तो ये चलने नहीं देगा। क्यों भाई? मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल चल रहा है तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाएंगे एंड एडी करंट मोशन को अपोज करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए और सी जो सही है, ए और सी जो सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया। क्या है? एक कैपेसिटर है एंड ये जो भी वैल्यू दी रहती, ये वैल्यू कैसे रहती? RMS वैल्यू रहती। ठीक है, अच्छा हमें क्या पूछा है? द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, पीक करंट पूछा है, पीक करंट पूछा है। तो पहले RMS करंट पता कर लेते हैं। VRMS, IRMS इज इक्वल टू VRMS, VRMS बाय XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। VRMS जो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट पे लिखी होती है वो VRMS होती है, 210 वोल्ट डिवाइड बाय XC क्या होता है? 1/ωC। तो ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो 210 इंटू 2πf इंटू सी। ठीक है, ये IRMS आ गया। IRMS को क्या लिखेंगे? I0/√2। हमें पीक करंट पता करना है तो फाइनली बेटा I0 मिल जाएगा आपको, रूट टू को उधर भेज देते हैं, 1.414 इंटू 210 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ लिखी है 50 इंटू कैपेसिटर कितना? 10 माइक्रोफेराड, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब देखो कलाकारी, 50 दुने 100, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 3 माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है भाई, अच्छा आगे क्या करोगे? 10 टू द पावर माइनस 3 के दो जीरो यहाँ पे यूज़ कर लो। तो क्या बचा? इसको ले लेता हूँ मैं, 1.4 इंटू 2.1, दो जीरो यहाँ यूज़ करे और एक बच गया, इंटू इसको क्या लिख लेता हूँ, ये जीरो यहाँ असर कर देता हूँ, 0.3, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। ओके, तो अब 14 दुने 28, 14 एक 14 4 एक उठा, 14 दुने 28 19, पॉइंट कितने के बाद? एक और एक दो, एक और एक दो के बाद पॉइंट, इंटू 0.3। ठीक है, 4 त्रिकम 12 2 1, 9 त्रिक 27 28 2, 3 दूनी 6 7 8, पॉइंट कितने के बाद? 1 2 3, 1 2 3, तो 0.882, 5 बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता, ये बहुत फर्क पड़ रहा है, तो बचा क्या? 0.93, 0.8 किसके नज़दीक है? 0.93 के नज़दीक। तो ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही आंसर। सिंपल, सीधे सीधे सवाल आए तेरे, बहुत सीधे सीधे सवाल आए थे। यहाँ देखो, अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस इतना, कोएफिशिएंट ऑफ विदाउट एक्सपेंशन, कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप। क्या है भाई ये? थर्मल फोर्स है, थर्मल फोर्स है। क्या आता है? वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, थर्मल फोर्स वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना है इसका? यंग्स मॉडुलस है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहाँ गया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो देखो 10 टू दी पावर माइनस 5। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जीरो से कहाँ ले गए आप? 100 तक। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 100 इंटू एरिया, एरिया भी डायरेक्ट दिया बेटा 10 टू दी पावर माइनस 3। सिंपल, सारी चीज़ें रेडीमेड दी हुई थी। क्या हो गया? देखो 11 12 13, 13 में से 3 गए 10, 10 में से 5 गए 5, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो दो जीरो अगर आप यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 50 × 10⁻³ न्यूटन, 50 × 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, मतलब इलास्टिसिटी से दो सवाल आए थे इस बार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? आयन बार ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम। एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसकी लेंथ कितनी है? एल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है? द बार मैग्नेट इज बेंड इन द मिडल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसको बेंड कर दिया कुछ ऐसे,
तो ये लेंथ कितनी होगी l by 2, ये लेंथ कितनी होगी l by 2, पूरा लेंथ कितना था l, ये एंगल कितना बना 60 डिग्री। अच्छा, साउथ पोल अब यहाँ आ गया, नॉर्थ पोल अब यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच में ये जो लेंथ आएगी ये l डैश बोल लेंगे। तो ये 60, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 60, ये भी क्या होगा 60, तो काइंड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। तो ये l by 2, ये l by 2, तो ये भी कितना आ गया l by 2। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m डैश इज इक्वल टू, क्या बेंड करने से पोल स्ट्रेंथ बदली, नहीं, नई लेंथ क्या हो गई l by 2। अब यहाँ देखो ml के जगह आप क्या लिख सकते हो कैपिटल m, तो ml के जगह कैपिटल m डाल दो, तो m डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m by 2, तो m by 2 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज 100% करेक्ट। वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। आगे बढ़ते हैं 49, क्या बोल रहा है, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर, मतलब क्या था बेटा, देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, तो अब मूव्स टूवर्ड्स द ईच अदर, कैपेसिटी क्या होती है सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट के बाय डी। तो अगर आप प्लेट को एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगा कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, पहली चीज डिस्टेंस कम होगा, दूसरी चीज कैपेसिटी बढ़ेगी, तीसरी चीज बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा कॉन्स्टेंट। अब ऑप्शन देखते हैं, डिस्टेंस अगर कम करते हो आप तो क्या होगा, चार्ज स्टोर, चार्ज की बात बाद में, एनर्जी ठीक है, तो कैपेसिटी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये सी ऑप्शन सही है, ओके okay? अच्छा अब क्या बोल रहा है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंक्रीजेस, तो मेरे भाई सिंपल सी चीज है, देखो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो वी कैसे है कॉन्स्टेंट, वी कैसे कॉन्स्टेंट, कैपेसिटी बढ़ रही है तो चार्ज भी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ रही है तो चार्ज भी बढ़ेगा, तो चार्ज स्टोर्ड इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, देखो पांचवी चीज, एनर्जी क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, कैपेसिटी अगर बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, ये क्या बोल रहा है एनर्जी डिक्रीजेस, गलत बात है ये, ठीक है। चौथा, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है कॉन्स्टेंट, मेरे भाई बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट, चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो ये रेशियो भी क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कॉन्स्टेंट, तो गलत बात है भाई ये, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज क्या इंक्रीज है, देखो बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ हमने प्रूफ किया कि चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो ये प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, तो कौन सा ए सी ई सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कौन से ए सी ई, कहाँ है भाई ए सी ई, यहाँ दिख रहा है ए सी ई, बिल्कुल सही, ठीक है, ए सी ई आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल देखो, इसमें कितने इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, अगर ये इक्वेशन फिजिकली सही है तो सबके डायमेंशन कैसे आने चाहिए सेम, तो अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन फोर्स के बराबर, तो अल्फा के डायमेंशन फोर्स बाय टी स्क्वायर के बराबर, इस तरह से बीटा टी के डायमेंशन भी फोर्स के बराबर, तो बीटा के डायमेंशन फोर्स बाय टाइम के बराबर। अब ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, पहला ऑप्शन बीटा टी बाय अल्फा द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस, बीटा टी बाय अल्फा, बीटा कितना है, बीटा है एफ बाय टी इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा कितना है एफ बाय टी स्क्वायर, ये टी टी कट गया तो ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन अल्फा टी बाय बीटा टी, अल्फा टी बाय बीटा टी, अल्फा कितना है बेटा, अल्फा कितना है एफ बाय टी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय, बीटा कितना है, बीटा कितना है एफ बाय टी, बहुत बढ़िया, ये कैंसिल हो रहा है, ये टी टी कैंसिल, एफ बाय टी कैंसिल हो रहा है, मतलब यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा पेपर अपना सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो मैं यही कमेंट करूँगा, पेपर आसान था लेकिन ट्रिकी था, लेकिन ट्रिकी था,
उस सिचुएशन में अंडर प्रेशर सारे क्वेश्चन हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। पेपर खत्म हो जाने के बाद बड़े बड़े डिंगे मारना मास्टरों के लिए आसान होता है, लेकिन बच्चों के लिए उस लेवल पे उस प्रेशर को झेलते हुए पेरेंट के एक्सपेक्टेशन को हैंडल करते हुए सारी चीज़ें डील करना आसान नहीं था। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक भी आपने गलतियाँ की होंगी तो आपके GMC में कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ, बहुत बड़े इंसान बनो। मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको, आप बहुत सारी पढ़ाई करके बहुत बड़े इंसान बनो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर में। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।